अरे विपिन, क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूँ साहब। सफाई करने के बाद सारे कपड़े धुल दो, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। ठीक है भैया। अरे विपिन, एक गिलास पानी ले आओ। जी साहब, अभी लाता हूं। ये लीजिए साहब पानी। अरे बहन आ गई? जी भैया। ठीक है। जी मैम साहब। ये क्या किया तुमने? माफ कर दीजिए मैम साहब, वो प्रेस कपड़े पर रखकर साहब को पानी देने चले गए थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से ये ठीक हो जाएगा? तुम्हें मालूम भी है कितनी महंगी ड्रेस है? गलती हो गई मैम साहब, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे माफ कर दो बहन, इससे गलती हो गई। ये कह रहा है ना आगे से ऐसा नहीं होगा। इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इस ड्रेस की कीमत इसकी सैलरी से काटनी पड़ेगी, तभी इसको समझ में आएगा। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए। अब मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगा। अरे विपिन, जोया की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ा बचपन से ही जिद्दी है। और हाँ, तुम्हें भी थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। भैया इसे अच्छे समझा दीजिए, आगे से कोई गलती ना हो। और कल मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी अच्छे से करना, और तुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैम साहब। सुना तुमने, कल तुम्हें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। अगर कोई गलती हुई तो वो बहुत ही गुस्सा करेगी, फिर वो मेरी भी बात नहीं मानेगी। ठीक है? जी साहब। आ गए तुम लोग? हाँ। चलो आओ अंदर। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। विपिन चाय लेकर आओ। लीजिए चाय पीजिए आप लोग। और बताओ अरुण, तुम्हारे पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भैया, और इस बार बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, प्रदीप तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है भैया, वो अगले महीने एग्जाम है ना, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। अच्छी बात है, मन लगाकर पढ़ाई करो। जी भैया। विपिन
सभी लोगों के लिए खाना लगाओ। जी मैम साहब। चलो हम लोग खाना खाते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जोया मैं चेंज करके आता हूं। देखा भैया, आप ही ने कहा था ये आगे से कोई गलती नहीं करेगा, और आज आपने देख लिया इस गरीब को नौकरी पर रखकर कितनी बड़ी गलती की थी हम लोगों ने। तुम गरीब जितना काम नहीं करते हो उससे ज्यादा नुकसान करते हो। कल तुमने मेरा टॉप जलाया और उससे पहले तुमने मेरा कीमती गिफ्ट तोड़ दिया, और आज तुमने और उनकी शर्ट खराब कर दी। जोया ये तुमने कैसे नौकरों को घर में रखा है जिन्हें ठीक से खाना भी परोसना नहीं आता? ऐसे नौकरों को तो तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सही कहा वरुण तुमने, ये नौकर ज्यादा देर तक इस घर में नहीं रहेगा, इसे अभी और इसी वक्त जाना होगा यहाँ से। चलो अब अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी देखना नहीं चाहती, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो मैडम, मैं कहाँ जाऊंगा और मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है आप लोगों के अलावा। ऐसा मत कीजिए मैडम, मुझे घर से मत निकालिए। मैम साहब मैंने आज तक जितनी भी गलती की है और आपका जितना भी नुकसान किया है उसके पैसे मेरी सैलरी से काट लीजिए, लेकिन मुझे निकालिए मत, मैं कहाँ इधर उधर भटकूंगा। कहीं भी जाओ मुझसे मतलब नहीं है, तुम मरो या जियो मगर इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। साहब आप तो मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें यह घर छोड़कर जाना ही होगा। हेलो सर, इस बार हमारी कंपनी को बहुत ही लॉस हुआ है और इसकी खबर कंपनी के सभी अंशधारियों को हो गई है, और जिसकी वजह से सभी ने कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया है। अरे ऐसे कैसे मना कर देंगे, बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट लगा रहता है, आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी होगा। सर मैंने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। अच्छा तुम मेरी उन लोगों से बात करवाओ।
सर अब बात करने से कोई फायदा नहीं, मैंने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और सर उन लोगों ने कहा है कि वो 2 दिन बाद आएंगे अपने पैसे वापस लेने, अगर आपने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो आपके खिलाफ FIR कर देंगे और जिसकी वजह से आपको जेल जाना होगा। ठीक है, तुम उन लोगों से बोल दो कि 2 दिन बाद आए अपना पैसा ले जाएं। ओके सर, मैं बता दूंगा। क्या हो भैया, आप इतने उदास क्यों हैं? बोलिए ना भैया, क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जोया, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चला गया। क्या, ये क्या कह रहे हो आप भैया? हमारी कंपनी में बहुत ही लॉस हुआ है जिसकी खबर कंपनी के सभी अंशधारियों को हो गई है और वो 2 दिन बाद बिजनेस में अपना लगाया हुआ पैसा वापस लेने आएंगे। पर भैया उन लोगों को देने के लिए हम लोगों पर उतना बैंक बैलेंस भी नहीं होगा और ना ही कोई प्रॉपर्टी है। हाँ, पर अब तो एक ही रास्ता है। वो क्या भैया? और वो है ये घर। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप भैया? हाँ, अब यही एक रास्ता है। पर भैया आप ये घर बेच देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं ये घर बेच कर उन लोगों का पैसा वापस कर दूंगा और जो बैंक का लोन है वो कंपनी की नीलामी में पूरा हो जाएगा। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो उसके बदले में मुझे जेल हो जाएगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ठीक है भैया, आपको जो सही लगे आप वो करिए। ये लीजिए आप लोग अपने अपने पैसे। भैया आपसे एक बात बोलूं? हाँ बहन बोलो, क्या बात है? भैया आप बुरा ना माने तो हम लोग कुछ दिन वरुण के घर चल के रुकते हैं। नहीं नहीं, हम अपनी मुसीबत किसी और के सर नहीं डाल सकते हैं, हम कहीं और रह लेंगे। भैया मैं जानती हूँ आप सही कह रहे हैं, पर वरुण मेरा फ्रेंड ही नहीं वो मुझसे प्यार भी करता है। क्या? हाँ भैया, मैंने आपसे कभी बताया नहीं और मैं भी वरुण से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं कह रही थी हम लोग कुछ दिन वरुण के घर चल के रुकते हैं। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज मान जाइए भैया। ठीक है, पर इस बुरे समय में हम लोग उनके पास जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे? आप इतना ना सोचिए भैया, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। चलिए ना भैया। वरुण को कॉल करती हूँ। वरुण कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारे घर की थोड़ी सी दूरी पे ही खड़ी हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ जोया, तुम लोग यहाँ और इस हालत में? सब ठीक तो है ना वरुण? वो
अच्छा तो ये बात है। हाँ तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? वरुण मैं चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम लोग कुछ दिन तुम्हारे घर रुक जाए। तुम्हारी बात तो सही है लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। यार कुछ दिनों की तो बात है, फिर हम लोग किराए पे रह लेंगे। नहीं जोया तुम मेरी बात तो समझो, मैं तुम लोगों को नहीं रख सकता अपने घर में। ये तुम कह रहे हो? तुम तो कहते थे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर तुम तो मेरा बुरे समय में साथ भी नहीं दे रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता था पर अब नहीं, क्योंकि रिश्ता बराबरी वालों में होता है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, पर अभी भी मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। तुम कहीं किराए पर कमरा ले लो और उसका किराया मैं दे दिया करूँगा। ये हमदर्दी अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो भैया हम लोग कहीं किराए पर कमरा ले लेंगे। मेम साहब आप लोगों ने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, और ये बैग लेकर आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, जहाँ किस्मत ले जा रहे वहीं जा रहे हैं। लेकिन तू बता तू यहाँ कैसे? हाँ ये अच्छे कपड़े और ये गाड़ी देखने से लगता है तू कोई बड़ा आदमी बन गया है। हाँ मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ लेकिन आप लोगों के लिए नहीं। पर तूने ये सब किया कैसे? मुझे आपके यहाँ से जो पैसे मिलते थे उन्हें मैं सेविंग करके रखता था, और उस दिन आपके घर से जाने के बाद मैंने उन्हीं पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, और फिर इसी तरह मुझे अपने बिजनेस में सक्सेस मिलने लगी, और फिर मैंने अपना बिजनेस बड़े पैमाने पर शुरू किया, और देखते ही देखते आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। अरे वाह तू तो बहुत ही समझदार निकला। जी भैया लेकिन ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों की ही मेहरबानी है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे उस दिन घर से ना निकालते तो मेरे अंदर कुछ करने का जज्बा ना आता। फिर हो सके तो हम लोगों को आप माफ कर दो, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो और तुम हमेशा खुश रहना। चलिए भैया चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं हम लोग कहीं किराए पर कमरा लेकर रहेंगे। किराए पर क्यों, आप लोग अपने घर चलिए। नहीं मेरी कंपनी में लॉस हो जाने की वजह से मेरी पूरी तरह से जिंदगी बदल गई है, जिसकी वजह से मुझे वो घर बेचना पड़ा। नहीं वो घर आपका था, आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? आज मैं इतने दिनों बाद अपने भैया जी से मिलूंगा और वो मुझे इस हालत में देखकर बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि मैं भी अब भैया की तरह अमीर आदमी बन गया हूँ और अब मेम साहब भी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी। ओए कहाँ घुसे जा रहे हो? मैं अपने भैया जी से मिलने जा रहा हूँ। कौन से भैया जी? यहाँ पे कोई भैया जी नहीं रहते। अरे वो यहीं रहते थे जिनका ये घर है। क्या नाम है तुम्हारे भैया जी का? अजीत नाम है हमारे भैया का। अच्छा पर उन्होंने तो ये घर मुझे बेच दिया है। क्या उन्होंने ये घर बेच दिया है? हाँ लेकिन क्यों? वो तो मुझे नहीं मालूम पर इस घर का मालिक अब मैं ही हूँ। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आपने अगर जितने का खरीदा मैं आपको उसे 2 लाख रुपया बढ़ा कर देता हूँ।
लेकिन आप ये घर मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये मेरे भैया की आखिरी निशानी है और मेरे भैया ने इस घर को बहुत ही प्यार से बनाया था। प्लीज सर, मना मत कीजिए। प्लीज सर, ये घर मुझे दे दीजिए ना। ठीक है, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये घर तुम ले लो। ये लो घर के कागज। ये लो पैसे। लेकिन मेरे भैया और मैम साहब किधर गए हैं? इधर गए थे। हमने तुम्हें इतना परेशान किया और इतना बुरा भला कहा, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें मारा भी, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हाँ, क्योंकि मैंने आपके घर में इतने दिन नौकरी की, आपने मुझे रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े दिए, तो मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? और मैंने आपके घर का अन्न खाया है, तो क्या मैं इस सब के बदले आप लोगों के साथ इतना भी नहीं कर सकता? चलिए आप लोग अपने घर चलिए, चलिए ना भैया जी, मैम साहब चलिए ना। बैठिए।